invite again Mr. Majid Ahmed Khan on the stage to brief us more about this groundbreaking of One Capital Residency. इसके बाद हमने ओवरसीज ब्लॉक का कॉन्सेप्ट शुरू किया. ओवरसीज ब्लॉक का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया. इससे पहले आपने पाकिस्तान में बिल्डिंग्स देखी हैं, वर्टिकल बिल्डिंग्स जो बन रही हैं. अब जो कॉन्सेप्ट हमने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया है, मैं चैलेंज करता हूँ कि इससे पहले ये कॉन्सेप्ट आपको पाकिस्तान में नज़र नहीं आया होगा. लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताता रहूँ कि शायद 6 महीने बाद आपको नज़र आना शुरू हो जाए, कॉपी वेस्ट हो जाए. लेकिन एज लॉन्ग एज अगर कोई बंदा हमारी प्रोडक्ट को कॉपी कर रहा है, डिलीवर भी कर रहा है और अच्छे तरह से बना भी रहा है, तो हमें कोई इतराज़ भी नहीं. लेकिन सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए. नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट कि प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो उसमें अमूमन जो आपके अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं उसमें जो सर्कुलेशन एरियाज हैं वो 15% होती है. अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखें, इसकी डिटेल्स को देखें और इसके जो एरियाज हमने छोड़े हैं, ये वाहिद शायद प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सर्कुलेशन 70% है, जिसको आप, आपकी फैमिली, आपके घर वाले, आपके गेस्ट, आपके मेहमान फ्री ऑफ कॉस्ट इन्जॉय करेंगे. ये फीचर आपको कहीं भी नहीं मिलने. इससे पहले आपको अपार्टमेंट में रहते हुए पार्क में जाना पड़ना था. इससे पहले आपको अपार्टमेंट में रहते हुए इस तरह की फैसिलिटीज़, होटल, रेस्टोरेंट, इवन आपके गेस्ट के लिए होटल्स बुक करवाना, इवन सर्विस ऑफिस के लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़ना था. आज आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपको आपके घर पर मिलेंगी इंशाल्लाह. नाउ कमिंग ऑन टू द मेन थिंग कि व्हाट शुड बी द प्राइस. आपके बिहाफ में मेरी हमेशा मलिक साहब से लड़ाई होती रहती है. देखें, इम्पॉर्टेंट प्राइस फैक्टर आपको भी पता है, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के काम भी कर रहे हैं, कि प्राइस की वेरिएशन जो मटेरियल कॉस्ट है वो किस हद तक इंक्रीज कर चुकी है. एंड देन देर इज़ नो आइडिया कि कहाँ जा के रुकेगी. बट इवेंचुअली जब ये डेवलपमेंट करनी पड़ती है तो वन हैज़ टू टेक द रिस्क. और हमने इनिशली इस प्रोजेक्ट के जो स्टैंडर्ड अपार्टमेंट की पर स्क्वायर फुट कॉस्ट जो है वो रखी है 10,500 रुपये. आई थिंक कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्राइस यू गेट ऑफ सच टाइप ऑफ अ प्रोजेक्ट. इट्स नॉट अ टिपिकल प्रोजेक्ट, नॉट अ स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्ट जिसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम आए. जितने आपने इसमें कर्व देखे हैं, जितनी इसके ऊपर मेहनत होनी है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो ये जो कॉस्ट है दैट इज़ ऑल्सो जस्ट अ प्री लॉन्च कॉस्ट. हम इसके अंदर बड़े मिनिमम अपार्टमेंट जो है वो लॉन्च करेंगे और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर इसको सेल किया जाएगा. इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी जो टोटल पेमेंट टाइम होगा डेट वुड बी 4 ईयर्स विद 5% डाउन पेमेंट. और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आज बुकिंग नहीं करनी, आज कोई बुकिंग अवेलेबल नहीं है. हम आपको एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना के देंगे, क्योंकि ये जो अपार्टमेंट है ये सिलेक्शन के ऊपर सेल होने हैं, क्योंकि हर जो अपार्टमेंट है उसका जो एरिया है वो डिफरेंट है और उस एरिया के साथ जो भी एक्स्ट्रा फीचर्स आएंगे, ग्राउंड फ्लोर के जो चार्जेस होंगे या फर्स्ट के, सेकेंड के, लेगून व्यू के या कोर्ट यार्ड व्यू के, वो एडअप होके उसकी बुकिंग होगी. तो इसकी एक छोटी सी वीडियो हम आपको बना के शेयर करेंगे. जितने भी हमारे सेल्स पार्टनर हैं उनको हम यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे, वो जाएंगे और अपने क्लाइंट के लिए वहाँ सेलेक्ट करके एक अपार्टमेंट को फिर बुक करेंगे. दो हमारे पास मीन वाइज जो है टिपिकल जो बुकिंग फॉर्म्स हैं वो भी अवेलेबल होंगे, जिसमें सारी चीज़ें लिखी जाएंगी. लेकिन प्राइमरीली क्योंकि इन ऑर्डर टू अवॉइड कि आप दो बंदे एक ही अपार्टमेंट को बुक कर रहे हों और वो हमारे पास किसी क्लाइंट से नेगोशिएट करके हमारे पास जमा कराने हैं और वो ऑलरेडी बुक हो चुका हो, तो इसलिए हमने ऑनलाइन ये फैसिलिटी भी दे रहे हैं कि जो बंदा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर ऑनलाइन जाके इस अपार्टमेंट को बुक करेगा हम उसको लेके चलेंगे. और एट दी एंड मैं दुआ कहूँ कि आप तमाम लोग इस प्रोजेक्ट से, इस प्रोजेक्ट के साथ जितने लोग मुंसलिक हैं, आप लोग भी इससे ढेरों फ़ायदा उठाएं और आप लोग के जो क्लाइंट हैं वो भी फ़ायदा उठाएं. ये बड़े
लिमिटेड अपार्टमेंट है, एंड व्हेन एवर आई से लिमिटेड दिस मीन बिजनेस, तो इसको सीरियस लेना पड़ेगा आपको। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, आपकी ज़बान का पता है जो मैंने आपको बता दिया, तो इंशाल्लाह ताला इसकी जो फर्दर पेमेंट प्लान्स हैं, जो इसकी फर्दर डिटेल्स हैं, वो आपको नेक्स्ट वीक हम शेयर कर देंगे। मीनवाइल हम क्लोजिंग से पहले दुआ करवाएंगे। दुआ करवाने से पहले मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो डिनर है वो रेडी है, आपके लेफ्ट और राइट पे बुफे लगे हैं। दुआ के बाद आप लोगों से गुजारिश होगी कि आप आराम से बुफेस में जो है वो खाने को एंजॉय करें, और इंशाल्लाह हमारी सेल्स टीम, मैं हर वक्त मौजूद हूँ जिस तरह की सपोर्ट है उस तरह की सपोर्ट शेयर करने के लिए। इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह आपके साथ हम कमिंग वीक के अंदर शेयर कर देंगे।